तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह आप विंडोज में आप टेडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले हम जान लेते हैं कि टेडी यापी 9 और टेडी प्राइम में अंतर क्या है। तो टेडी यापी 9 बेसिकली एक पिछड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बोलते हैं। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि आप किसी भी कंपनी का कोई भी एंट्री कर सकते हो या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसके कारण यूज किया जाता है। तो 10 में से 8 कंपनियां बस इसी को पर लागू करती है कि टेली प्राइम का यूज करें आप, क्योंकि टेली यार की नाइन बहुत पिछड़ा वर्जन माना गया है और टेली प्राइम भी हाल ही में आया है तो अभी इसका ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और यही ज़्यादा यूज होने वाला है भविष्य में भी। तो इसके चलते भी मैंने टेली यार की नाइन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा है। तो कंप्यूटर में डाउनलोड किया हुआ तो उसको हमें अनइंस्टॉल करना है और टेली यार की नाइन को जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा उसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए विंडोज के सिस्टम में चलते हैं और उसे रिमूव करते हैं। तो मैं सबका पहले सीट ड्राइव तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। टैगिंग आती टैगिंग के दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम सीपीयू में आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सर्च करना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम। ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर क्लिक किया, ओपन किया और उसके बाद टैगिंग ऐप की टाइप को ढूंढना है। टेली आरपी 9 हमारा आ गया यहाँ पर। तो टेली आरपी 9 काम कर दिया, ये रहा हमारा टेली आरपी 9। तो टेली आरपी 9 को मैंने सीधे अनइंस्टॉल कर दिया। तो अनइंस्टॉल करने के बाद मुझे ये भी रहा है कि आपके मोबाइल में ये गूगल पी सी से सॉफ्टवेयर नहीं है। टेली को हटा दिया और हम चलेंगे टेली प्राइम डाउनलोड के ऊपर। तो आप सच में टेली प्राइम डाउनलोड को पीछे उसे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा और इसे हमने डाउनलोड करना है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने का आपको समझा दिया। तो वीडियो बस लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में लाइक चेक कर सकते हो या फिर कमेंट वाले आप कमेंट में भी आपसे देख सकते हो। तो सिंपली से इसे डाउनलोड करें, तो सिंपली से इसे हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग। और डाउनलोडिंग स्टार्ट में मैं इसे ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह सेटअप डॉट पी एक्स ये फाइल होगा। तो एक एक्सटेंशन होता है यानी कि जैसे कि डॉट ए पी के या फिर ऐसा कुछ होता है तो हमारे फ़ोन में होता है, लेकिन यहाँ पर डॉट पी एक्स ही चलता है। तो मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, उसे इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डाउनलोड होने वाला है। ये हमारा फाइल का नेम है। तो मैं इसे सीधे करूँगा स्टार्ट और स्टार्ट की तैयारी काम कुछ इस तरह से खुलेगा हमारा। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस उसे ओपन करना और इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो इंस्टॉलेशन का स्टार्ट हो चुका है, मैंने इसे अलाउ कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर। और ये एप्लीकेशन कुछ एजुकेशन मोड में आपको खोलना है, यानी कि आपको सीखना है तो एजुकेशन मोड में करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपका टैली आरपी 9 टैली प्राइम आपका शुरू हो चुका है। और वीडियो को करते हैं लाइक, जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आगे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला पाएंगे हम।